दरभंगा शहर के सदर थाना अंतर्गत आज अंचल अधिकारी सदर दरभंगा की अध्यक्षता में सदर थाने में भूमि निष्पादन हेतु जनता दरबार लगाया गया था, जिसमें सदर थाना अंतर्गत साधना झावी एस नमोनाथ झा के भूमि निष्पादन हेतु सुनवाई की गई, जिसमें सदर अधिकारी रंजीत कुमार ने दोनों पार्टी के आए हुए कागजों को देखा तथा उनके द्वारा जो बातें उनके समक्ष रखी गई उसे उन्होंने गंभीरता से सुनी। तत्पश्चात उन्होंने दोनों पार्टी को 20 मार्च को आने हेतु कहा गया। उन्होंने कहा, इस बीच उनके सारे कागजातों का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, तत्पश्चात किसी निश्चित निर्णय पर आएंगे। दूसरा पार्टी आया तो क्या हुआ यहाँ पे और फैसला क्या हुआ अभी तक? हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। जरूर जरूर। ये हम लोग 11 में खरीदे, साथे साथे जमाबंदी पूरा करके थोड़ा संक्षेप नापी करवा करके पिलर करवा लिए थे। उससे पहले कोई पिलर नहीं था। नापी के रोज, पिलर करवाने के रोज तक कोई नहीं प्रस्तुत हुआ। वही बटेदार को जब हटाए 2020 में, जून 20 में, वो बटेदार बोला कि सर फलां फलां कहता है कि हमारा सबको बुलाओ। उसका दस्तावेज देखे तो उसको दूसरे नंबर से ब्रह्मांश पांडे लिखा था, हमको दूसरे नंबर से। दोनों का चौधरी अलग अलग, हमके ये कोई मेले नहीं खाता है। वो लोग कहे कि ठीक है तुम एक काम करो, पंचायत करवाओ। पंचायत में कोई नहीं प्रस्तुत हुआ। 3 बार पंचायत करवाना चाहे उन्हीं के भाई बंधु से। आज क्या फैसला हुआ? आज का ये हम लोग कहीं देखे 4 साल तक ना भूधारक, जो मूल भूधारक था 7.5 कट्ठा जमा किया था, जमीन है 5 कट्ठा, कोई नहीं प्रस्तुत हुए। कितना बार नापी हुआ, कितना बार ये मेरा तीसरा जनता दरबार है। आज सीओ साहब ने केस का ऑर्डर हुआ नापी का, इंद्रानंद शाह सीओ चाप दिए उसको दस्तावेज केस को। सुनिए, उसके बाद सुनिए, आज जब आप आए दूसरा पक्ष भी आया है बातों को लेकर के, सीओ साहब का क्या फैसला है? कोई मूल दस्तावेज उनके पास सही है नहीं है। तो सीओ साहब क्या बोले आपको? अंचल अधिकारी ने क्या आदेश दिया? केवल अगला 30 तारीख को डेट देंगे। इसके बीच वो क्या करेंगे? मेरे कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं हुआ उनके पास। कोई जमीन की नापी करेंगे, पेपर चेक करेंगे, क्या करेंगे? पेपर चेक करेंगे। कौन से पेपर चेक करेंगे भाई? जो किसका है, क्या है, नहीं है, जमीन का सब। उसके बाद 30 तारीख को डेट रखा है। एक डेट और हमने जो क्वेश्चन किया उसका कोई आंसर उन लोगों के पास नहीं है। जबकि हम लोग के थ्रू जो 1/1/22 को हुआ था जनता दरबार, उसमें धारा 107 हुआ, 4 माफिया का नाम उस पर वारंट हुआ 11/11/22 को, लेकिन कोई धरपकड़ नहीं हुआ। ये जो दूसरा पक्ष आज आया है, इससे पहले कभी आया है जनता दरबार? कभी नहीं आया था। आज पहली बार आया है? पहली बार आया है। आप कब से आ रहे हैं? हम तो कहते हैं 2020 से आ रहे हैं। देखिए, आज जो हम लोग पहला आवेदन 2020, सुनिए इधर सुनो बाबा, आज जिस तरह का यहाँ वार्तालाप हो रही थी सीओ साहब से या थाना प्रभारी थे आप लोग थे, उस हिसाब से तो जमीन आपका निकलता है। जिस तरह उनका बातचीत करने का तरीका देखें तो फिर आप लोग परेशान क्यों होते हैं? इसलिए जो उन लोग प्रशासन कोई निर्णय नहीं, यही खेल खेल है। इसका एक ही उपाय है, नापी करके पोजीशन जिसका जो दिया जाए। ऐसा चोर अमीन सबको ले आता है ना सीओ, जो अगला बार जो है आम लताम कर दिया, पूरा सीओ रखिए, सारा माफिया द्वारा खरीदा गया है पूरा सीओ ऑफिस को ही, चाहे वो अमीन हो, सीओ साहब हो, इससे पहले वाला ये नए है। कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हर कंप्लेन पुराने सीओ का हर कंप्लेन हमने डीएम को दो बार भेज करके रिसीविंग है डीएम ऑफिस का। अच्छा सर, अपना नाम बताइए। नवोनाथ झा मेरा नाम हुआ। पिताजी का नाम? स्वर्गीय परशुराम। घर? घर तो दूर पड़ता है यहाँ लक्ष्मी सागर। कौन सा जिस जहाँ जमीन खरीदे हैं वो सारा फाजिल मौजे में है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशि मोहन चौधरी हुआ। अच्छा, और दोनों आदमी साथ ही लिए थे जमीन। अपना पिताजी का नाम बताइए। पिताजी स्वर्गीय महेश्वर चौधरी। जमीन किन के नाम से है? हमारी वाइफ के नाम से। अच्छा। मेरा भी मालती झा के नाम से है, पत्नी के नाम से। और संक्षिप्त में 1 मिनट में बोलना, काफी सवाल पूछ रहे थे आप अंचल अधिकारी से अपने जमीन को लेकर के, बगल वाले की जमीन को लेकर, जिसने बेचा था उनको भी लेकर के। कितना संतुष्ट है और क्या अभी आश्वासन मिला? सवाल का जवाब अगर दिया हो तो कैमरा पे दिखा दिया जाए। एक सवाल का जवाब अंचलाधिकारी या महोदय जो थाना अध्यक्ष है, जिन्होंने मुझे घसीट कर टेररिस्ट की तरह लाया,
उन्होंने एक सवाल का जवाब सेकंड पार्टी से नहीं पूछा। महोदय से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर फर्स्ट डे जिस दिन आपने काम रुकवाने का काम किया उस दिन आपने बोला था कि जो सेकंड पार्टी है जो यहाँ प्रोड्यूस हुए हैं वो मुंबई थे, मुंबई से इनसे पूछा जाए कि इस किस माध्यम से मुंबई से आए थे, बाय रोड आए थे तो बाय रोड आए थे तो टोल प्लाजा दिखाएं, अगर ट्रेन से आए थे तो टिकट दिखाएं। अभी आप लोग को अभी ऑर्डर क्या आया है, ऑर्डर क्या मिला है? ऑर्डर यही आया है। और मेरा ये भी सवाल है कि यहाँ जो बैठे हुए हैं ये दोनों नकली आदमी है, अगर ये असली है तो इनका पूरा केवाला ऑलरेडी बिक चुका है। सीओ साहब एक बार लेटर लिख के दिखाएं कि हाँ कोर्ट से ऑर्डर मतलब कागज मांगे कि किस जीट को किस टाइम पे कितना कितना बार बेचा गया है। ये दोनों के दोनों ऊपर अभी तुरंत जेल जाएंगे। और ये जी क्या नाम है आपका? शांतन कुमार चौधरी। चलो भैया दूसरा, आपका भी जमीन है, आपसे जो विवाद हो रही है क्या आप अपना पक्ष रखेंगे क्या मामला? रख दिया हमने, आप हम लोग को बताइए ना। सीओ साहब रख दिया, वहाँ से जानकारी हमको भी पूछा गया। कुछ आपको भी आइडिया नहीं, नहीं है? हमने दे दिया उनको अपने। नहीं अभी आप बोले आइडिया नहीं, इसके माने आपका जमीन नहीं है क्या? वो रिजल्ट देंगे उसका आइडिया नहीं। आपका पक्ष ले रहे हैं आप क्या? यहाँ आपको आपको यहाँ जो नोटिस देके बुलाया गया है क्या ये पहली बार नोटिस मिला था इस तरह का? नहीं इससे पहले भी आया हूँ, इस बार भी आया हूँ, और आके जो मांगा था वो पेपर मैंने दे दिया है। देखिए रिजल्ट क्या होता है। क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? NS झा। आप क्या है फौज में? फौज में हम कुछ नहीं। नहीं आपको कर्नल तो सर्विस से रिटायर कर देगा क्या? आप आर्मी रिटायर आर्मी में? हम अल्ट्रा टेक सीमेंट हूँ। अन्नपूर्णा कहाँ बात? अन्नपूर्णा क्या कौन है? कोई नहीं है। कर्नल यहाँ पे बात आ रही थी कोई कर्नल। कहाँ पर का जमीन का, कहाँ पर का जमीन का मामला था ये? यहाँ जो है सारा मोहनपुर या साफ हाजिर कुछ करते। कितने कट्ठा जमीन का मामला था ये? हम लोग तीन आदमी लिए थे, दो दो कट्ठा। आप लोग तीन आदमी लिए थे? हाँ सब रिलेटिव। ठीक है जनता दरबार लगाया गया है, एक पक्ष का काम हुआ, क्या मामला पूरा क्या था? विस्तृत जांच के लिए मांग की गई कि वर्तमान में इनका चौहद्दी का अनुसार क्या, इनका पोजीशन इनका चौहद्दी के अनुसार क्या वर्तमान में पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग कोई रिपोर्ट आएगा। चूंकि SDO साहब का मामला चल रहा है तो हमें सब पहले रिपोर्ट जाएगा सर। जिस तरीके से झोल झाल देखा जा रहा है, एक बीघा चार कट्ठा 13 धूर की जमीन, लेकिन पता चला कि जमीन सबसे ज्यादा बिक गई है, तो क्या पुनः इसको स्वच्छ तरीके से नापी कराया जाए फोर्स के साथ? जांच के लिए दिए ना, जांच आने के लिए मामला SDO फोटो भी चल रहा है ना, वहाँ भी तो संज्ञान होगा, वहाँ भी तो जाएगा प्रतिवेदन। सर कितने आदमी का निपटारा आज हुआ? कितने आदमी का देखा गया? चूंकि थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी रह गए, तक पहले ही सुनवाई था। ये किनका सुनवाई हुआ है आज? दो पार्टी का सुनवाई था, एक साधना कुमारी का था, साधना झा और नमो बनाम नमोनाथ झा। ठीक सर, थोड़ा अपना परिचय। मेरा नाम रणधीर कुमार है, हम यहाँ पदस्थापित नहीं हुए हैं, अंचल अधिकारी के। सर